गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी समर स्पेशल स्किन केयर रूटीन। ये सिर्फ स्किन केयर रूटीन नहीं होने वाला है, स्किन केयर, फुट केयर एंड हैंड केयर भी होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और उसके साथ साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी कलर पॉप हॉल, सो स्टे ट्यून्ड। सो समर स्पेशल रूटीन के लिए मैंने जो प्रोडक्ट यूज किया है, सारे प्रोडक्ट यूज किए फ्रॉम गुड वाइब्स। आपको पता है गुड वाइब्स एक बहुत ही अच्छा नेचुरल स्किन केयर ब्रांड है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यही बेस्ट टाइम है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि समर भी चल रही है, मौसम भी आ रहा है, तो किस तरह से आप अपने स्किन एंड फूड एंड हैंड को आप केयर कर सकते हैं वो वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं शेयर करूंगी गुड वाइब्स एलोवेरा सूदिंग फेस क्रीम के बारे में। गाइस अगर आप समर में बाहर जा रहे हो तो सनबर्न हो सकता है, आपके स्किन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, यूवी रेज की वजह से आपके स्किन में स्किन रैश हो सकता है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो अच्छा प्रोडक्ट होता है एलोवेरा होता है, क्योंकि एलोवेरा ये सारी चीजों को सूद रखता है, आपके स्किन को काम बनाता है, हाइड्रेटेड रखता है, मॉइस्चराइज करता है और आपके स्किन को प्रोटेक्शन भी देता है। एलोवेरा आपके स्किन को डीप नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इससे आपके स्किन में सॉफ्ट, स्मूथ एंड ग्लोई। तो पैकेजिंग आप देख लो टॉप फॉर्म में है, उसके अंदर आपको एक्चुअल प्रोडक्ट को देखने को मिलता है, व्हिच लुक्स लाइक दिस। व्हाइट कलर में है ये। आप टेक्सचर देख लो, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है और बहुत जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसमें पैराबिन नहीं है, टोटल वेगन एक प्रोडक्ट है। इसमें आपको मिले 50 ग्राम प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का प्राइस ओनली 235 रुपीज। तो गाइस आपको इसे अप्लाई कैसे करना है, तो इस तरह से थोड़ा सा मन पे आपको लेना है और हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करना है और तब तक ये मैसेज करते रहे जब तक ये एब्जॉर्ब ना हो जाए। गाइस आप देख सकते हो मेरे फेस बहुत ही ज्यादा ब्राइट एंड ग्लोई दिख रही है। और हाँ गाइस आपको क्लीन फेस में ये अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली वो है गुड वाइब्स रिफ्रेशिंग शीट मास्क ऑरेंज। आपको पता है कि ऑरेंज में होता है नेचुरल ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज, जो आपके स्किन से टैन को रिमूव करता है, आपके स्किन को इवन टोन बनाता है। तो शीट मास्क इस तरह का एक पैकेजिंग में आता है, यहाँ से आपको ओपन करना है और एक्चुअल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। सबसे पहले तो आपका फेस क्लीन होना चाहिए, यहाँ से आप शीट मास्क को निकालना है, उसके बाद आपके फेस में ये अप्लाई करना है। आप आईज एंड लिप्स को अवॉइड करें और हल्के हाथों से प्रेस करें ताकि ये स्किन में बहुत अच्छे से बैठ सके। आपको ये मास्क को 15 टू 20 मिनट तक रखना है, उसके बाद इसे रिमूव कर लेना है और रिमेनिंग जो एसेंस होता है वो आपके स्किन में मैसेज कर लो। आप देख सकते हो मेरे स्किन इतना ज्यादा ग्लोई दिख रही है। इसमें आपको मेरे 20 ग्राम प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का प्राइस ओनली 99 रुपीज। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कॉफी रेंज की, क्योंकि कॉफी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आते है और कॉफी अगर स्किन केयर में हो तो कोई बात ही नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं जो प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली वो है गुड वाइब्स ब्राइटनिंग हेड मास्क कॉफी में। तो गाइस आप पैकेजिंग देख लो, इस तरह का सेम जैसे कि शीट मास्क से पैकेजिंग होता है उसी तरह का एक पैकेजिंग है। इसमें आपको मिलता है 20 ग्राम प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का प्राइस 199 रुपीज। तो चलिए इसे अप्लाई करके देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आपका हैंड क्लीन होना चाहिए, उसके बाद ये ओपन कर लेना है और ये मास्क आपके हैंड में रखना है 15 टू 20 मिनट्स तक, उसके बाद ये रिमूव कर लेना है और एक्सेस जो लिक्विड होता है उसे आपको मैसेज कर लेना है। इस गुड वाइब्स कॉफी ब्राइटनिंग हैंड मास्क में है होलसम गुडनेस ऑफ कॉफी, जो आपके स्किन को डीपली नरिश एंड मॉइस्चराइज करता है। वाओ गाइस आप देख सकते हो मेरे स्किन में कितना ज्यादा डिफरेंस है। और लास्ट में बात करूंगी गुड वाइब्स ब्राइटनिंग फुट मास्क के, ये भी है कॉफी रेंज। तो गाइस इस तरह का एक पैकेजिंग है, इसके अंदर आपको एक्चुअल प्रोडक्ट को देखने को मिलता है, यहाँ से आपको टियर अप करना है। इसमें आपको मिलता है 20 ग्राम प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का प्राइस 199 रुपीज। तो चलिए गाइस इसे अप्लाई करके देख लेते हैं। आपके फीट क्लीन होना चाहिए, उसके बाद आप फीट को ड्राई कर ले। आपको ये मास्क को ओपन करना है और मास्क को अप्लाई करके रखना है 15 टू 20 मिनट्स तक, उसके बाद आपके ये फुट मास्क को रिमूव कर लेना है और एक्सेस जो लिक्विड है वो अच्छे से मैसेज कर लेना है। जो मास्क है ये आपके स्किन को काम रखता है, उसके साथ साथ इसमें है नरिशिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज, जो आपके स्किन को अंदर से बूस्ट करता है, अंदर से अच्छी तरीके से सॉफ्ट, स्मूथ एंड ग्लोई बनाता है। ये मास्क आपके डैमेज फीट को ब्रेक करता है, उसके साथ साथ आपके फीट को बनाता है बहुत ही ज्यादा सुंदर। तो अभी आप मेरे पैर को देख लो कितना ज्यादा ग्लोई दिख रही है। गाइस आपको अच्छा रिजल्ट मिलने के लिए आपको ये कंटिन्यूअसली यूज करते रहना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे चीजों का लिंक डाल दिया है, तो मेक श्योर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। तो चलिए गाइस आप कलर पॉप हॉल देख लेते हैं। आज मैं जो कलर पॉप हॉल शेयर करने वाली हूँ वो है डेजी डेजर्ट कलेक्शन, ये समर कलेक्शन। तो चलिए एक एक करके प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास है ये कलर पॉप पैलेट, जो कि है प्रेस पाउडर पैलेट, 12 पेन प्रेस पाउडर पैलेट। कार्डबोर्ड के पैकेजिंग के बाहर अंदर आपको एक्चुअल प्रोडक्ट को देखने को मिलता है, व्हिच लुक्स लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे कलर्स क्या क्या है, सब कुछ का नेम मेंशन है यहाँ पे, और इसे ओपन करके आपको एक्चुअल प्रोडक्ट को देखने को मिलता है, व्हिच लुक्स लाइक दिस। सो गाइस चलिए एक एक करके कलर को देख लेते हैं। सबसे पहले ये कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, तो वाओ। नेक्स्ट में जो कलर शेड
स्वाच करूंगी विच इज दिस। आपको पता है कलर पॉप के हर एक कलर में बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेशन होता है विच इज सो नाइस। ये येलो कलर थोड़ा सा स्वाच करके देख लेते हैं। वाओ, इसमें तो थोड़ा सा शिमर भी पार्टिकल भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है मेरे पास फोर लीफ स्टेन, तो चलिए एक एक करके स्वाच करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो बता देते हैं पैकेजिंग की, तो कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है शेड नेम लाइक दिस, तो चलिए इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कलर है इसका शेड है ट्रू हगर, दिस इज द शेड, तो प्यारा है ना ये कलर। नेक्स्ट शेड का नाम है द ग्लोरी, दिस इज द शेड। नेक्स्ट वी हैव वर्च्यू, ये कलर थोड़ा सा वियर्ड है, मुझे अच्छा नहीं लगा ये कलर। और लास्ट जो कलर मेरे पास है वो है लीव मी अलोन, ओके दिस इज द शेड, ये कलर बहुत सुंदर है। नेक्स्ट वी हैव थ्री सुपर शॉक शेडो डुओ, मतलब टोटल सिक्स कलर्स है ये, तो चलिए ओपन करके देख लेते हैं। तो इस तरह का एक पैकेजिंग है लाइक दिस, उसके अंदर आपको दो प्रोडक्ट देखने को मिलता है। चलिए एक एक करके स्वाच करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो कलर स्वाच करोगे उसका नाम है एंट्रेंस, सो दिस इज द शेड, ओ माय गॉड, अब पिगमेंटेशन देखो। नेक्स्ट वी हैव बिलव्ड, दिस इज द शेड, इसमें दो कलर है, बहुत ही ज्यादा ब्राइट कलर है ये। सबसे पहले जो कलर में अप्लाई करेंगे वो है रेड डे व्हिच लुक्स लाइक दिस, और है वाटर मी, ओ माय गॉड, इसे आप बहुत ही आसानी से स्मोकी लुक कर सकते हो। और लास्ट जो सुपर शॉक आई शेडो डुओ है वो है ये दोनों, चलिए ओपन करते हैं। ओ माय गॉड, इसमें भी मुझे ग्रीन दिख रही है, तो चलिए इसे स्वाच करके देख लेते हैं। सो गाइस दिस इज द शेड, टाटा, इसे ना आप सिर्फ आईज पे नहीं आप इसे हाइलाइटर की तरह भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव पोर्सेज, दिस इज द शेड गाइस। नेक्स्ट वी हैव थ्री सुपर शॉक चीक मैट, ये है मैट शेड में, तो तीन कलर स्वाच करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास है वो है कैमोमाइल, ये एक्चुअली ब्लश। नेक्स्ट वी हैव ये कलर इज द शेड, एंड लास्ट वी हैव टू जी, चलिए इसे ओपन करते हैं व्हिच लुक्स लाइक दिस, टाटा। और गाइस इस रेंज में जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है क्रीम जेल लाइनर किट, इसमें आपको टोटल फाइव लाइनर्स मिल रही है, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है, उसके अंदर आपको एक्चुअल प्रोडक्ट को देखने को मिलता है गाइस व्हिच लुक्स लाइक दिस। इसमें जो पैकेजिंग है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा फ्लावर भी दिया हुआ है, फ्लावर ऐड किया गया है, फ्लावर प्रिंट, तो चलिए एक एक करके स्वाच करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं स्वाच करूंगी इसका शेड है ऑन पॉइंट, सो गाइस ऑन पॉइंट का कलर शेड इज दिस। नेक्स्ट वी हैव एक्स्ट्रा फ्रॉस्टिंग व्हिच लुक्स लाइक दिस। नेक्स्ट वी हैव आइडियली, दिस इज द शेड। नेक्स्ट वी हैव सानी याले, बहुत ही प्यारा ब्राउन शेड है ये। एंड द लास्ट वी हैव कैप्टिवेटिंग, सच में कैप्टिवेटिंग कलर है ये, दिस इज द शेड। तो गाइस ये था मेरा कलर पॉप हॉल, इसके साथ साथ समर स्पेशल रूटीन। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे चीजों का लिंक डाल दिया है, तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और मेरे और वीडियोस को देखने के लिए आप पर क्लिक करें।